दिल को छू लेने वाली राग राजेश्वरी में यह तान दिलरुबा इसराज की है। इस अप्रचलित साज को पहले रावण हत्था कहते थे। यह रावण का प्रिय साज था। वैसे इसका नाम पहले रावण हत्था था, जो रावण जी बजाया करते थे। फिर इसका नाम इसराज इज अ पर्शियन नेम, बट रविंद्र संगीत में ये रिलीजन इंस्ट्रूमेंट है। ये संगत वाद्य भी है और इंडिपेंडेंट मैंने बनाया है इसे। गुरु नानक जी के समय सबद कीर्तन में इसका उपयोग होता था, तब इसे दिलरुबा कहा जाता था। बाद में रविंद्र संगीत में भी इसका उपयोग हुआ। फिर देश के चोटी के गायकों ने इसे अपनी गायकी में संगत वाद्य के रूप में अपनाया। मैंने जनाब अली उस्ताद सलामत अली खां, पंडित जसराज जी, उस्ताद नसीर अहमद खां साहब, किशोरी अमोनकर, क्लासिकल, इनके साथ मैंने तो इस इंस्ट्रूमेंट को कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा जहां मैंने यूज नहीं किया। पिछले दिनों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली घराने के अलाउद्दीन खान ने दिलरुबा इसराज बजाया। अलाउद्दीन खान गायकी अंग में बजाते हैं। पांच सुरों के मुश्किल राग राजेश्वरी में उन्होंने तान, जोड़, झाला का प्रयोग करके इसे सहज बना दिया। एक अप्रचलित साज पर अप्रचलित राग बजाकर श्रोताओं को बांधे रखना वाकई अद्भुत है। सुबह सवेरे मैं कुमार गिरीश,